गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 5 स्टेप्स फॉर द बिगिनर्स लेसन नंबर 7। अगर आपको हमारी लास्ट वीडियो अच्छी लगी है तो उनके नीचे लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाला हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं 5 स्टेप्स फॉर द बिगिनर्स लेसन नंबर 7। आर यू रेडी गाइस? ओके लेट्स गो। 5, 6, 7, go there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप। मैं आपको बता रहा हूँ आपके फर्स्ट स्टेप करने कैसे। बहुत इजी स्टेप है। टैप 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 एंड टैप टैप। आप लोग इसको किसी भी साइड से शुरू कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। हम लोग लेफ्ट से करें। फर्स्ट टैप के साथ हैंड क्रॉस, देन सेकेंड टैप के साथ हैंड आउट। Again, 1, 2, then same, this side, then again, 1, 2, then 3, 4. First step is up, hand cross, then second step is up, hands out. Then same, cross and out. Hold, up your body like a bounce. Teach yourself your body to bounce, bounce, bounce. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8। ये आपका सेकंड स्टेप जो फर्स्ट वाले स्टेप से भी ज्यादा इजी है। फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ खत्म कर दिया। यहाँ से क्या करना है? आउट एंड आउट एंड आउट एंड आउट। हाथ में हैंड्स को एक लेवल में यहाँ तक लेके आना है। जब आप क्रॉस करते हो देन डाउन, जब आउट एंड देन down, then out, and then down, then out, and then down. तो अब हम करते हैं दोनों step एक साथ first and second. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, then out, in, out, in, out, in, and out, in. तो चलिए अब हम चलते हैं step number 3. हर step आपको यहाँ से करना है cross के साथ। ये step करके आप खड़े हो तो ऐसे। इसके बाद आपने करना है क्रॉस एंड सेंटर, लेफ्ट क्रॉस एंड सेंटर। ओके, तो आपको बता देता हूँ, जो आप जंप कर रहे हैं पहले लेफ्ट लेग को पीछे और राइट लेग को आगे लेके जाओ हील पे, देन सेंटर, देन सेम एंड सेंटर। थोड़ा सा मुश्किल है बट इतना ही मुश्किल है कि आप प्रैक्टिस करके इसको करना पाओ। एक बार करते हैं। 1 and 2, then 3 and 4, same step. आपको hands के साथ कर रहे हैं, जो पैर आप आगे कर रहे हो वही हाथ आपका आगे होगा और क्रॉस होके ऐसे जाएगा। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8. ये था आपके 3 step, 3 step चलिए एक साथ कर रहे हैं। 5, 6, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8. Out, in, out, in, out, in, and out, in. Then cross, center, cross, center, cross, center, cross, center. तो मुझे लगता है आपको भी इस टाइम अभी तक समझ आ गया होगा। हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। स्टेप नंबर 4 ये करने के बाद हमारी पोजीशन होती है ये। यहीं से आपको क्या करना है? किक एंड किक। तो क्या होगा? 1, 2, then side, side. 1, 2, then side, side. पहले सामने किक करके, then side में किक करके, then सामने किक करके, then फिर side में किक करके। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फुटवर्क है। Hit, 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 hit and hit, hit and hit, hit. तो ये था आपका step number 4. 4 step एक साथ revise करते हैं। From the top. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, and out, out, out,
and out. Then cross, center, cross, center, cross, center, cross, center. Kick, kick, side, side. Kick, kick, side, side. यहाँ से चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, जो कि बहुत फेमस स्टेप है, धीना धीना, यानी कि अनिल कपूर का स्टेप है, सिग्नेचर स्टेप है। चलिए हम इसको बढ़ते हैं यहाँ से अपनी ओर। 1 2 1 2 3 4 ऐसे फुटवर्क है एंड 8 हैंड्स कैसे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बार बोलो अपने 5 6 7 को। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ताज के आपके 5 स्टेप्स को दबी प्लस। तो चलिए हम 5 स्टेप आपका एक साथ करके दिखाते हैं। 5 6 7 go, then 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8